पाकिस्तान में अमेरिकी मिशन के नायब सरबराह तरफा कराची जो अहम दौरों करें वे वजीर मुराद अली शाह बोर मुतासर खानदान से मुलाकातों करें बोर की तबाही के असाले साहता लाए भरपूर मदद की खातरी कराई। पाकिस्तान में कायम अमरीकी मिशन के नायब सरबराह डीसीएम एंड्रयू शोफर बिन्हीं मुल्क विच में मुआशी भाईवारी लगपन के हथी डेण के सिलसिले में 18 से 20 सेप्टेम्बर तक कराची जो दौरों कर दौरे दौरान एंड्रयू शोफर सिंह के वे वजीर मुराद अली शाह हुकूमती अमलदार कारोबारी शख्सियत जरिए शोबे के सरबराह मीडिया के नुमाइंदन से मुलाकातों कं जडे त उन बार कोरोना का बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम जो अफ्तताह करण समेत सिंध पुलिस स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट जो दौरों कर डीसीएम एंड्रयू शोफर सिंह के वे वजीर मुराद अली शाह से मुलाकात दौरान सूबे में तारीखी बरसात बोर्ड की तबाही तोड़े बोर्ड मुतासर इलाक में जारी इमदादी सरगर्मियों बाबत गालबोल कई। अमरीकी मिशन के नायब सरबराह एंड्रयू शोफर कराची के इलाके सचल गोठ में कायम कैंप के दौरे दौरान बोर्ड मुतासरन से मुलाकात कई जैं दौरान मुतासरन बोर्ड की तबाही नुकसान बाबत आगाह कदे दुख सूर पंजा एंड्रयू शोफर तारीखी बोर्ड के नतीजे में आयल तबाही के अफसोस औरतन जोड़े बारन सूधो बेघर थियल खानदान से हमदर्दी जो इजहार कदे सिंध में बोर्ड जो तबाहकारियों ऐसी तमाम घो दुख पौत है। अमरीका बोर्ड मुतासरन के अकेलो बेयारो मददगार न छी दुखे वक्त में पाकिस्तान से हर किस्म जो सहकार जारी रखो वो एंड्रयू शोफर पैंजे कराची के दौरे दौरान सिंध की सेहत वाली वजीर डॉक्टर अशरफ फजल पैचूहो से गरजी सूबे में लखें बार कोरोना का बचाव की वैक्सीन दियण वाली मुहिम जो अफ्तताह पिण कर अमरीका तरफा पाकिस्तानी अवाम लाए कोरोना का बचाव की वैक्सीन लाए 7 करोड़ 80 लख डोज इमदाद की मद में मुहैया किया वा इन मुहिम दौरान सिंध सरकार तरफा 8 जिलों में 5 से 11 साल के 25 लख बार फाइजर वैक्सीन का मुकम्मल डोज दिना वेंदा। एंड्रयू शोफर अमरीकी बिजनेस काउंसिल में मुलाकात दौरान पैंजन ख्याल के इजहार कदे अमरीका पाकिस्तान अवाम लाए मुआशी तरक्की एक जहन मौक वसी बुनियादन से सहूलतों दियण के हवाले से किए गरजी कम कर सकता। अमरीकी कंपनियों तरफा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम तहत पाकिस्तान के गिजा तालीम मुआशी तरक्की मुहैया करण से डीसीएम एंड्रयू शोफर तरफा खुशी जो इजहार किया। कराची में सिंध पुलिस स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के दौरे के मौके से एंड्रयू शोफर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर मकसूद अहमद से मुलाकात कई जैं दौरान उन अमरीका तरफा एसएसयू के अहलकार की पेशेवरान सलाहियत में बेहतरी लाए जदीद हथियार सेमिलेटर मुहैया करण से खुशी जो इजहार किया। उनका सवाए एंड्रयू शोफर कराची के आईबीए में कायम सेंटर फॉर एक्सलेंस एंड जर्नलिज्म के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंबर शमसी से मुलाकात करें अमरीकी सरकार तरफा पाकिस्तान में सहाफन के हकन के तहफ़ मीडिया की आजादी के हवाले से सहकार जारी रखने की खातरी कराई। डीसीएम एंड्रयू शोफर सिंध एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर सोसाइटी सीफ के नुमाइंदन से गड फेयर हॉल कराची के दौरे दौरान तारीखी इमारत के शानदार फन जो मुआइनो किया।